नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां बिरजा, जय सियाराम। एति उपस्थिता समस्त भाई भावनी मन को मोरा नमस्कार। आज देश के लिए जीवन समर्पित करने वाले विजनरी नेता बीजू पटनायक जी की जन्म जयंती है। आज पूरा देश उन्हें आदर के साथ याद कर रहा है। ये संयोग है कि आज मुझे ओडिशा की धरती से ही उन्हें नमन करने का अवसर मिला है। मैं बीजू पटनायक जी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, इतनी विकराल संख्या में जहां भी मेरी नजर जाती है, उत्साह और उमंग से भरे मेरे भाई बहन दिखाई दे रहे हैं। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना, ये पूरब का मूड दिखाता है। उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। 400 पार का संकल्प देश में एक मजबूत और निर्णायक फैसले लेने वाली सरकार फिर एक बार बनाने के लिए है। 400 पार का संकल्प किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबों का जीवन बदलने के लिए है। इसमें पूर्वी भारत की, ओडिशा की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जरा एसपीजी के लोग, ये दो बच्चे कुछ चित्र लेकर के आए हैं, अगर उनको इतराज न हो देना चाहते हैं तो एसपीजी के लोग जरा कलेक्ट कर ले, वरना ये ऐसे ही हाथ, उनके हाथ को दर्द होता रहेगा। आपके प्यार के लिए, आपके शुभकामनाओं के लिए पीछे अपना एड्रेस लिख दीजिए, मैं चिट्ठी लिखूंगा। आप पीछे अपना एड्रेस लिख दीजिए, जरा एसपीजी के लोग कलेक्ट कर लीजिए, उनसे अपना आता पता लिख दीजिए। भैया लिख दिया है तो लिख दीजिए, मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा।
अब हाथ नीचे करिए, हाँ दर्द हो जाएगा। उड़ीसा की धरती में तो रग रग में कला भरी पड़ी है जी। साथियों, बीते 10 वर्षों से भाजपा सरकार यहां उड़ीसा में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि उड़ीसा विकसित भारत का भी गेटवे बने। एक प्रकार से उड़ीसा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा दे रहा है। पाइप से घरों में सस्ती गैस देना हो, सीएनजी आधारित यातायात हो, गैस आधारित इंडस्ट्री हो, इसके बड़े उद्योग ओडिशा में लग रहे हैं। यहां से गैस पाइपलाइन पूर्वी भारत के अनेक राज्यों तक पहुंच रही है। ओडिशा पॉलिएस्टर का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा है। टेक्सटाइल पार्क के लिए रॉ मटेरियल भी यहीं बन रहा है। 10 वर्षों में सिर्फ पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ही ओडिशा में 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। ज्यादा निवेश मतलब नौकरी के ज्यादा मौके, नौकरी के ज्यादा अवसर, यानी ये विकास कार्य ओडिशा के नौजवानों का भाग्य बदलने वाला है। साथियों, आज जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये पहले भी हो सकते थे, लेकिन 2014 से पहले के वर्षों में कांग्रेस और उसके साथियों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी में नोट भरने में लगा रहा। जो कांग्रेस सरकार कोयले को लूट कर खा जाए, वो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने के बारे में कैसे सोच सकती है। जो कांग्रेस सरकार यूरिया में घोटाला कर दे, वो किसानों को सस्ती दर पर यूरिया कैसे उपलब्ध कराती। ये कांग्रेस सरकार भर्तियों में भी घोटाला कर दे, वो देश के नौजवानों को कैसे नौकरी देती। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश में ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जिसमें गरीब पर, नौजवान पर, आदिवासियों पर अविश्वास पैदा हो। गरीब कांग्रेस सरकार से कुछ भी मदद मांगने जाता था तो कांग्रेस सरकार कहती थी कुछ गारंटी लेकर आओ। उस समय रिवाज था, हर किसी से गारंटी मांगी जाती थी। बैंक में खाता खोलना है,
कांग्रेस कहती थी गारंटी लाओ, बैंक से रोजगार